मिशन वंदे मातरम सप्ताह के तहत एक साथ 25 लाख लोग वंदे मातरम गाएंगे। आज देश की राजधानी दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सामाजिक संस्था सल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि सल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी सामाजिक संस्था है जो आगामी 11 अप्रैल से 17 अप्रैल को मिशन वंदे मातरम सप्ताह के तहत मनाने का फैसला किया है, जिसके तहत देश भर में 5000 से ज्यादा जगह पर एक साथ 25 लाख लोग राष्ट्रगान गाएंगे। सल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम लोग अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ये है कि हम लोग 25 लाख लोग एक साथ पहली बार देश विदेश में सल्यूट तिरंगा के मंच के तहत हम लोग राष्ट्रगान का आयोजन किए हैं, जो 25 राज्यों में और कुछ देश में भी इसका आयोजन किया जा रहा, ताकि देश में जन जन तक राष्ट्रवाद को बढ़ाया जाए, जन जागरण किया जाए और लोगों को कैसे जगाया जाए और एक मजबूत भारत और एक नए भारत का क्या परिभाषा होना चाहिए, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि हम लोग जो वंदे मातरम सप्ताह का आयोजन 11 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक किए और 15 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम है, इसको लेके ही आज का कार्यक्रम किया गया। देशवासियों के लिए मैसेज क्या है? देशवासियों के लिए मैसेज ये है कि सभी लोग जगे और जागरूक रहना जरूरी है। दुनिया बदल रही है, अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के हालात, अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। हर व्यक्ति को देश के प्रति जागरूक होना है, क्योंकि उसके आने वाले पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भारत तैयार करना, इसलिए हम लोग सल्यूट तिरंगा के माध्यम से जन जागरण का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।